ठीक है सर, कला चालू करते हैं। जैसे हमारे सभी विद्यार्थी भैया हैं, सभी अपने छात्र बहनों को, सभी शिक्षक बहनों, गुरुजनों और अपने पूरे विद्यालय परिवार को मेरा नमस्कार है। तो देखो विद्यार्थी भाई बहन, मैंने आप लोगों के सामने ये दो तलवार चलाए ना, तो इनको देख के ये मत समझना कि भैया कोई जादू बताने आए। मैं आप लोगों के सामने कोई जादू बताने नहीं आया हूँ। अभी मैं जो भी कला आप लोगों के सामने बताऊंगा, आप लोग सर्कस देखते हैं ना, सर्कस में जिस प्रकार की कला होती है उसी प्रकार के दो चार कला मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन कला देखने से पहले आप सभी को मेरी बातें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मैं रहने वाला अपना राजस्थान का नहीं हूँ, मैं रहने वाला देखो तेलंगाना का हूँ, और वहाँ की जो मातृभाषा है ना वो तेलुगु है। अभी मैं आप लोग के सामने तेलुगु में बोलूँगा, तो आप लोग मेरी बातें समझ पाओगे? हाँ, कुछ यानी थोड़ा थोड़ा, एक ही नहीं तो हमारे सर तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, लेकिन आप तो पूरे ही नहीं समझ पाओगे, समझ गए ना? तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, धन्यवाद। तो मुझे भी थोड़ी हिंदी कम आती है, इसलिए आप लोगों से ऐसा कहना पड़ता है। सर, सबसे पहला कला होगा लकड़ी का। तो मेरे पास एक हाथ भर का लकड़ी है, लास्ट मैंने इसके छोटा सा सुई बांधा है। अब ये लकड़ी को मैं टेबल पे ऐसे रोकूंगा, लकड़ी नहीं रुकेगा। आप ऐसे रोकोगे तो भी नहीं रुकेगा, लेकिन मैं रोकूंगा टेबल पे नहीं, इसको मैं अपने नाक पे रोकूंगा। और देखो मैं कैसे रोकता हूँ, ए लकड़ी थोड़ा सीधा खड़ा हो जा, गड़बड़ मत कर यहाँ पर। तो देखो सर, मैंने इसको हाथ से नहीं पकड़ा, रस्सी से नहीं बांधा, ये लकड़ी बिल्कुल सीधा खड़ा है, ये जादू से नहीं खड़ा है, सिर्फ गर्दन का बैलेंस है। और इसको मैं जब तक नीचे नहीं बुलाऊंगा नीचे नहीं आएगा। तो मैं नीचे बुला लेता हूँ, आजा नीचे। अरे आजा, ये देखो आ गया है, कि नहीं? हाँ, ऐसे आप लोग भी सीख सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे आप लोग भी सीख सकते हैं। अगर आप लोग को सीखना है तो घर पे जाओ, ऐसा लकड़ी बनाओ, उसके आगे सुई बांधो और अपने नाक के ऊपर रोक दो, नहीं रुकता तो पत्थर लेके ठोक दो, फिर रुक जाएगा। घर जाके ऐसा नहीं करना, नहीं तो नाक चौड़ा हो जाएगा, समझिए। तो अब इसका कला बाद में होगा। अब मैं निकालूंगा बमेड़ो। आप लोगों ने बमेड़ो देखा है? नहीं, आप लोगों ने देखा है लेकिन नाम पहली बार सुना है। तो मैं बमेड़ो दिखा देता हूँ, मेरे पास में ये देखो, ये बमेड़ो है, एक ही नहीं? अभी जो बमेड़ो शब्द मैंने आपको बताया ना, तो इसको गुजराती में कहते हैं बमेड़ो, मराठी में कहते हैं बौरा, तेलुगु में कहते हैं बंगराम, और हिंदी में हम सभी जानते हैं इसको कहते हैं लट्टू, है ना? चीज एक है, लेकिन इसके नाम अनेक है। लेकिन ये लट्टू बहुत बड़ा है, मेरे पास है ना छोटा वाला भी है। अभी आप सोच रहे वो कहाँ है, फिर वो देखो ये वाला है, कि नहीं? सर, अब मैं इससे छोटा रखता नहीं हूँ, सबसे छोटा रबड़ का नहीं है, पत्थर का है। तो इसकी आवाज सुनेंगे, इसको ऐसा पकड़ो और पकड़ के बोलो के बैठ जा गोला, ये बैठ गया है। अब यहाँ से लेगा नहीं, अभी और बैठेगा, अभी तो हाथ से बैठाया, अब आवाज के ऊपर बैठेगा। तो मैं बैठा देता हूँ, चल गोला बैठ जा, ये बैठ गया है, अभी और बैठेगा, चल गोला बैठ जा, ये बैठ गया है, अभी एक बार और बैठेगा, चल गोला बैठ जा, ये देखो बैठ गया है ना? लेकिन आप लोग भैया, छोटे भैया लोग, खास करके बता रहा हूँ, आप लोग घर पे जाके ऐसा कुछ नहीं करना, समझ गए? हाँ, घर जाके कोई पत्थर लेके बोलेंगे बैठ जा गोला, वो बैठ गया तो ठीक है, टीम लेट गया तो फिर बोलेगा लेट जा गोला, अब एक ना छोड़ेंगे। तो घर जाके आप लोग को करना नहीं है। अब इसका भी कला छोड़ेंगे, अब मैं कले को चालू कर देता हूँ। तो फिलहाल तो देखो मेरे हाथों में दो पीतल के बोले, इनको देख के ये मत समझना कि भैया दोनों को पकड़ के ऐसे ऐसे चलाएगा, मैं ऐसे नहीं चलाऊंगा, इसको कुछ अलग प्रकार से चलाऊंगा। तो देखिए ये गोल है ना मेरा, देखो पिपर सिटी में मैंने नीचे गिरने से टूट गया है। तो फिलहाल कोशिश करेंगे चलाने के लिए, ये गोला चल चालू हो जावा रे गोला तोड़ा, बस यहाँ पे। तो देखिए गुरुजी मेरे एक हाथ बंदे, एक हाथ में दो पीतल के बोले। सर, आप लोग सर्कस देखने जाते हैं, सर्कस में क्या होता है, लोग प्लेट में मुझे चलाते हैं, हम लोग बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं चलाऊंगा, ऐसे तो कोई भी चला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये दो बोलों को मैं चार जगह चलाऊंगा, सबसे पहला चलेगा यहाँ पर, दूसरा नंबर इधर, तीसरा नंबर यहाँ, चौथा नंबर इधर चलेगा। कला चालू, चल गोला बैठ जा, ये बैठ गया जोधपुर के रेलवे स्टेशन पे, अभी और बैठेगा, बैठ जा गोला इधर, गोला तोड़ा चालू होता पर। ये पहला टुकड़े, ये नंबर दूसरे पे आ गया था, ये तीसरे पर, ये बाल को नहीं, अभी फटाफट एक दो तीन चार गोला तो पटक पटक, अरे इधर बस यहाँ। तो देखिए अभी मैंने चार जगह चलाया, आप लोग को अच्छा लगा ना?
अब होगा इसमें झगड़ा। आप लोगों ने झगड़ा देखा है? घर में नहीं होता है, उधर अड़ोसी और पड़ोसी लड़ते हैं। आज अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा अपने विद्यालय में होगा। अड़ोसी पड़ोसी कैसे लड़ते हैं मैं उसका नकल करके बताऊंगा। तो सर अड़ोसी पड़ोसी ऐसे लड़ते हैं, यहाँ पे रहा ये अड़ोसी का झगड़ा और ये पड़ोसी का झगड़ा है ना। तो चलिए ये अड़ोसी का पड़ोसी का झगड़ा चालू हो जा ना तोड़ा झगड़ा जा बने झगड़ा झगड़ा खत्म हो गया। अभी तो देखो मैंने सिर्फ दो बोल चलाए, कोई आनंद नहीं आया। जैसे मैंने दो चलाया ना, अब चलाएंगे तीन, तो बोल हो गए तीन। हल्का नहीं है, एक बोल का वजन है 500 ग्राम, तीनों का वजन है 1500 ग्राम, यानी 1.5 किलो। चलाने में ताकत लगता है, जादू नहीं है। कभी कभी अपने विद्यालय में आते हैं ना वो चित्रकला वाले, नहीं तो जादू वाले आते हैं, उनके पास ऐसा लकड़ी होता है, थोड़ा सा मट्टी जमीन से उठाते हाथ में डालते खेते अंतुड़ू मंतुड़ू रुपया बनंतुड़ू लेके भगनतुड़ू है ना। तो ये जादू नहीं है, कभी कभी बोल नीचे भी गिर जाते हैं, बैलेंस है, अभ्यास से कोई जादू नहीं है। मैं तीनों पर चलाता हूँ, इधर में अभी दो चल रहे, एक हाथ में बंदे छोड़ेंगे सर ये भी चलेगा, एक और दो और ये नंबर हो गया है तीन। तो अभी बोल मेरे हाथों में है और मेरा निगाह देखते हैं आप लोग के साथ। सर अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं और मैं आप लोग को देख रहा हूँ। अब मेरा गाड़ी छूटने वाला है, अब सर यहाँ से जाएगा सीधा जोधपुर, अगर किसी को जाना है देख देता हूँ। ये सिर्फ कच्चा गाड़ी है, गाड़ी का इंजन गर्म, फाटक बंद, लेन क्लियर, गाड़ी रवाना, ये जोधपुर वाला है। अरे भागले गाड़ी थोड़ा फटाफटी जल्दी जल्दी ये गाड़ी का ब्रेक फेल हो रहा है, तो मैं ब्रेक लगा देता हूँ। अरे थोड़ा ब्रेक लग गया है, अरे गाड़ी का अबे इसलिए लग गया है, अरे अरे चल गया तो लग गया गाड़ी का ब्रेक यहाँ पर। अभी तो मैंने तीन बोल चलाया ना, देखो मैं कई बार तो चार भी चला लेता हूँ, है कि नहीं। लेकिन एक बार ऐसे मैं चार चला रहा था, क्या हुआ, एक बोल थोड़ा मैंने ऊपर फेंक दिया ना, ऊपर से सीधा मेरे मुंह पे गिर गया। जब से मैंने चार चलाना छोड़ दिया है तो फिलहाल ये गोले गोले का कोई बड़ी बात नहीं, तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन घर पे जाके करना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अगले मंगलवार तक विद्यालय नहीं आएंगे, समझ गए। हाँ ऐसे भी अभी दिवाली की छुट्टी है, लेकिन फिर भी घर जाके करना नहीं। अब इसका भी कला छोड़ेंगे, अब मैं एक कला बताऊंगा, देखिए ये गोले का, अब इसका कला देखना कितना जबरदस्त होगा। इसको ऐसा पकड़ो और पकड़ के बोलो देखो ले गोला, सामने आएगा, ऐसा पकड़ो पकड़ के बोलो ले गोला, इधर आएगा। ये कला कुछ दिन पहले देखिए अपने पिपार सिटी में सीनियर स्कूल में, जो तलावड़ी के पास स्कूल है ना, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम बताया, तो एक नौवीं का विद्यार्थी था, तो उसने क्या किया मालूम है, एक पत्थर उठा लिया और उसको पकड़ के बोला ले गोला। जब उसने बोला ले गोला, वो सामने नहीं आया, पीछे से बोला दे गोला। हाँ तो आप लोग घर जाके नहीं करना, चोट लग सकता है। अब इसका कला छोड़ेंगे, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये बोल का वजन कितना बताया, 500 ग्राम। चार बोल का वजन कितना हुआ, 2 किलो, इसका वजन है बोलो का, और ये आधा किलो के दो लट्टू, अब 2.5 किलो का वजन हो गया है। मैं बैग का वजन नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब ये 2.5 किलो का जो वजन है, मैं इसको हाथ से नहीं उठाऊंगा, हाथ से मेरी छोटी बहन भी उठा लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको अपने आँख से उठाऊंगा। आँख से उठाने का मतलब ये मत समझना कि भाई साहब बैग उठा के अपने आँख पे रख लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उठाने की चीज है सर ये डब्बी, तो पहले इसकी आवाज हम सुनेंगे, सुन लीजिए इसकी आवाज, कोई चम्मक नहीं है, चम्मक का तलो पे चिपक जाता, इसी के द्वारा मैं इसको आँख से उठाऊंगा, लेकिन इसको उठाऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद। अभी आप पूछेंगे क्यों, देखो मैं तीन तलवार भी आप लोग के सामने इसको पंखे से भी तेज घुमाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए मुझे अपने राजस्थान में ना 20 साल हो गए, इन 20 सालों में अभी तक मैंने 7000 से भी ज्यादा विद्यालयों में प्रोग्राम बताया है, लेकिन जहाँ पे भी मैं प्रोग्राम बताता हूँ ना, तो मैं कले के साथ साथ थोड़ी बहुत नशा मुक्ति की जानकारी देता हूँ। मैं जानता हूँ देखो पान मसाला गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट शायद ये चीजें आप लोग खाते पीते नहीं है, लेकिन हमारे घर में आजकल तो और किसी के घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जरूरी जो इन चीजों को खाता या पीता है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, हम लोग पान मसाला गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाएंगे पीएंगे तो बोलो इससे हमें क्या हो सकता है, कैंसर। हम सबको पता है, ऐसे मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कैंसर कैसे होता है आप लोग को पता है क्या भैया, बातें मत करो बीच में।
कैंसर कैसे होता है देखो ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो वही दो जानकारी मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। देखो सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, हम सब लोग यही समझते हैं कि जो व्यक्ति नशा करता है सिर्फ उसी को कैंसर होता है, जो व्यक्ति नशा नहीं करता हो तो बोलो उन लोगों को कैंसर नहीं हो सकता है क्या? किसी को भी हो सकता है। फर्क इतना होता है जो व्यक्ति नशा करते हैं ना उसे कैंसर के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, और जो नशा नहीं करता उनको बहुत कम चांस होते हैं कैंसर होने के। अभी आप लोग सोच रहे होंगे भैया जो नशा नहीं करता है उन लोगों को कैंसर क्यों होता है, तो इसके पीछे कई सारे कारण है, लेकिन एक छोटा सा कारण मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपने जीवन में पान मसाला गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट खाया पिया है, आज उनकी जीवन की जो दुर्दशा है ना हम इन तस्वीरों में देखेंगे। तो ये तस्वीर किसी दूसरे राज्य के नहीं है, ये सबके सब अपने राजस्थान के जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, वहाँ के कैंसर वार्ड से मैंने इन तस्वीरों को लिया है। तो जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखना और मेरी बातों को समझना। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि मुंह का मजा और मौत की सजा, पान मसाला मौत मसाला बना लो, ऐसा चेहरा देखो कितना पचकिला से, ऐसा चेहरा हमारा हो जाएगा हम अपने गांव में से बाजार में से डालियों में से निकलेंगे तो बोलो कोई हमारा चेहरा देखना चाहेगा? नहीं देखेगा। देखेगा तो क्या करेगा, नीचे थूक देगा, नहीं तो बोलेगा 2024 का नया मॉडल आ गया बाजार में, है ना, ऐसा लग रहा है। और सर बहुत से लोग क्या करते हैं तंबाकू खाते हैं, देखो विद्यार्थी भाई बहन आपके घर में कोई तंबाकू खाता हो ना तो आप लोग उनको थोड़ा ध्यान से देखना, वो लोग तंबाकू बड़े यूनिक तरीके से खाते हैं। पहले क्या करेंगे तंबाकू को जेब से निकालेंगे हाथ में डालेंगे और बेचारे को 3-4 जापड़ लगाएंगे, है कि नहीं, फिर उठा के वोट में दबा देते हैं, ऐसा लगता है जैसे खजाना छुपा दिया हो। हम लोग इस प्रकार की गलती करते तो इससे क्या हो सकता है मालूम है क्या, हमारे होठ और मुंह में ना देखिए इस प्रकार का कैंसर हो सकता है। अब इन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया है, अब ये लोग ना कुछ खा सकते हैं, अब ये लोग ना कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के जीवित रहने से बोलो अपने समाज में किसी का फायदा है? नहीं है ना। एक बात बताऊं, अभी मैं खेल बता रहा था ना, हमारे पीछे की जो बहने बेटी है ना वो मेरी तरफ बड़े देर से ऐसे ही देख रही थी कि भैया इसके आगे क्या बताएगा। अभी मैंने नशा मुक्ति के बारे में दो बातें भी नहीं बताए, वो बहने पीछे बेटी आपस से बातें करने लग गई है। देखिए इतना जरूरी है चीजें, एक ही नहीं तो विद्यार्थी भैया अब मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी बात और बताता हूँ। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं गुटखा खाते हैं, ऐसे मेरे नजर में बाजार में कई सारे गुटखा मिलते हैं, लेकिन एक गुटखा बहुत ज्यादा बिकता है और उस गुटखे का नाम क्या है आपको पता है? विमल, है ना। अब विमल क्यों ज्यादा बिकता आप लोग को पता है? इसके पीछे एक छोटा सा कारण है, इसके पीछे तीन महान आदमियों का हाथ है, हालांकि अब वो चार हो गए। एक का नाम है अजय देवगन, एक शाहरुख खान, एक अक्षय कुमार और एक टाइगर, जंगल वाला नहीं फिल्मों वाला, एक ही नहीं, ये चार लोग साथ में आते हैं और ऐसे दोंगल करते हैं, कहते कि विमल के दाने दाने में केसर का दम, बोलो जुबा केसरी, आता ना टीवी पे है, आप लोगों ने देखा है। देखो आप लोग तो पढ़े लिखे, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, है ना, लेकिन मुझे एक बात बताओ ये चारों में से कोई भी विमल खाता होगा? नहीं खाता है। हम लोगों को बोल रहा है खाने के लिए, अब वो क्यों बोल रहे हैं? उनको बोलने के लिए उनको 5-5 करोड़ रुपए मिलते हैं, हमको खाने भी हो तो जेब से पैसे देने पड़ते हैं। अब ये महान आत्माएं कहती है कि विमल में केसर होता है, आपको पता है केसर का रेट क्या है? आज के हिसाब से अगर आज के मार्केट के रेट के हिसाब से आप जोधपुर में केसर खरीदने जाओगे ना तो मेरे हिसाब से आपको वो 2-2.5 लाख रुपए किलो मिलेगा केसर। अब सोचिए दाने दाने में केसर मिला के विमल के वो पैक करके मार्केट में उतारेगा तो उसका मार्केट वैल्यू कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कम 100 रुपए, नहीं तो